अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब? उम्मीद है खैरियत से, अल्लाह का शुक्र हम सब भी खैरियत से। आप गए मेरे व्यूअर अंदर से, आप आज खुश क्यों हैं? मैं खुश इस वजह से कि मैंने जो सूट मशीन भाई ने दिया था ना, उसकी कटिंग कर ली है। इसको मैंने सिलाई, हाँ जी, जब मैंने मैके जाना था यही वाला सूट। अच्छा, मैं यहाँ से देख पा रही हूँ, वैसे तो मैंने नोटिस नहीं किया, इधर से देख पा रही हूँ कि आपके फेस पे ईद की निशानियाँ आ गई हैं। ना ना ना, ये यहाँ पे देखिए आपका पिंपल बड़ा वाजिया हो रहा है इधर। हाँ जी यार, पता नहीं क्यों गर्मी हो गई है कि मसाला पकोड़े खा खा के। हर रोज हमें पकोड़े खाए हैं, कोई रोजा नहीं छोड़ा भाई हमने, जिसकी इफ्तारी टाइम पे हमने पकोड़ा ना बनाया हो। गर्मी तो अपना असर करना ही है ना। बिल्कुल, लेकिन ईद तो ही क्यों भाई, दो चार दिन छोड़ के मेरे खुद के फेस पे जो है ना वो इसी तरह आने लग गए हैं पिंपल्स वगैरह। तो मैंने तो मुल्तानी मिट्टी वगैरह लगाना स्टार्ट कर दी है। आज जब मुल्तानी मिट्टी लगा के मैंने फेस धोया, मामी कहती है ओए होए होए होए, इतना पूरा रेड वाला टमाटर टमाटर है जी। कटिंग हो चुकी है, ये बाजू की कटिंग है, ट्रोजर कटिंग मामी ने सोचा है कि इस वाले सदफ की जो है ना न्यू शलवार इस तरह की, लेकिन ये खुला बहुत ज्यादा है, ये जहाँ से ये बैंड हुई हुई है ना, ये वाली चीज यहाँ तक रख लें। इसकी कटिंग करते हैं, उसके बाद इसकी सिलाई भी करेंगे, आपको दिखाएंगे गला की। मेरा यार इस तरह ना, मेरा ख्याल वेस्टर्न पाइपिंग बना के ना ऊपर से बैंड लगा लेती हूं, क्योंकि इसमें वो पाइपिंग की जगह भी बनी हुई है, तो आपको ये करना होगा, ऐसे अच्छा लगेगा। यही बनाना है। इस दफा ना मैं अपने कुर्ता टाइप सिलाई करने लगी हूं, फिटिंग वगैरह नहीं, कुछ भी खत्म। और गाइस, मैं आप लोगों को बताती चलूं कि ये सूट दोबारा स्टिच होगा, एक दफा खुल के ये दोबारा बनेगा। इस दफा नहीं करना, बिल्कुल देख लेते हैं। जिस तरह मेरी यही ख्वाहिश है, मेरी इस तरह आदत हो जाए ना, उसके बाद मैं भी रेडीमेड लेके ना अपनी जान छुड़ाऊं, मुझे सिलाई न करनी। हां भाई, क्या बात है, सिलाई कर करके मेरी तक कमर भी टूट गई। और वैसे भी भाई, ईद से कोई 10-12 दिन पहले का मामी ने स्टार्ट किया हुआ ये सिलाई सेशन, और वो एंड होने का नाम नहीं ले रहा। पहले तो सुभान अल्लाह मेरे ही 4 सूट थे, उनको सिलाई करते करते 4-5 दिन लग गए। उसके बाद अंदर आमना के ड्रेसेस आ गए, फिर वो इधर उधर से आंटी सादिया, ये वो 2-4 और आंटीज हैं, वो अपने ड्रेसेस कट करवाने आ जाती हैं, सेंटर में वो काम आ जाता है, क्योंकि वो पास बैठी भी रहती हैं, गप्पे वगैरह लगती हैं, उसके बाद जाके 5-7 मिनट का वो काम होता है कटिंग, जिसके चक्कर में 2-4 घंटे जाया हो जाते हैं। लेकिन जाया नहीं कहते हम इसको भाई, ये भी जरूरी होता है ना भाई, इंसान का जो होता है ना, मतलब थोड़ी तबीयत खुल जाती है। यार एक बात यही है ना, जब कटिंग करवानी होती है ना, तब तो माशाल्लाह उनके पास फ्री टाइम होता है। हमें जरूरत होती है, मैं तो बिजी थी, मामी के निक्के निक्के दुखड़े। ओ मेरी दोस्त है ना, मेरी तबीयत खराब हो जाने का आपने पता ही नहीं किया, एक दफा ही नहीं आई, चक्कर ही नहीं लगाया जी। मैं तो यार इतनी बिजी थी, मैं तो मर गए था ते। अच्छा जी, भाई अब कटिंग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो नीचे से कौन है ना कपड़ा, ये मक्खियाँ क्यों इतनी ज्यादा आ रही हैं यार, कोई नहीं। हालांकि आज फर्श मतलब धोया है। हाँ जी, ये देखिए भाई, फर्श बिल्कुल साफ है, आज धुला है, लेकिन पता नहीं पता कि इधर इंसान रहते हैं ना, जहाँ बैठते हैं ना, मक्खियाँ तो वहीं पे जोर होता है। हाँ ना भाई, इधर उधर कहीं बैठ जाओ, नहीं जहाँ पे हम बैठे हैं वहीं तंग करेंगी। ऐसे ना, इधर है धूप, ये है थोड़ा ठंडा माहौल जी, इधर ठंडे माहौल पे ये ज्यादा आती हैं, इसलिए इधर जमा। अच्छा जी, ये एक मच्छर नहीं सोने देता, ऊपर से अब मक्खियां जागने भी नहीं देती। ज्यादा पीछे नहीं कर दिया कैसे? ये मतलब लंबाई ज्यादा नहीं, नहीं कम नहीं कर दी है, ये वाली कटिंग जो आपने की है ये थोड़ा। अच्छा जी, बिल्ली आके बैठ गई है सेम पोज में। चले जी, उल्टी साइड लेनी है, इसके ऊपर ही हमने इसका चिपका लेना है इस तरह। सही, ठीक है, ये इस तरह इधर बराबर करके ना, जहाँ पे हमारा गला जो मुकम्मल होता है, ये देखिए
उसके बाद इसके अंदर जो हम पाइपिंग वगैरह बनाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम एक जैसे बैंड लगा के, यहाँ पे पाइपिंग के ऊपर साथ ना छोटे छोटे बारीक मोती होते हैं ना, नहीं मोती मोती लगाए वो ऐसे चार चार ना यूं लाइन में लगा के ना, फिर थोड़ा सा वक्फा देगा, फिर चार यूं लाइन में, वो वाला हम इस तरह ना बैंड लगाएंगे। उसके बाद इसकी सिलाई जो है कुर्ता टाइप करेंगे, क्योंकि ना भाई फिटिंग वगैरह नो खत्म। अब बस फिटिंग के मामी ने बस कर दिया, अब वापस आ गई कुर्तों पे, अब हमारी तरह स्टिच होंगे इनके भी। जी तो ये गला जो है ये मामी ने कट कर लिया जी, और ये कुछ ऐसे तैयार होगा। मामी ने एक और काटा था भाई, वो पसंद नहीं आया, ये कीड़ी भी हिस्सा लेने आ गई। बाग 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 अच्छा ये इस तरह गला हमने चिपका के इसके अंदर हमने ये शलवार का कपड़ा वो लगा के छोटी छोटी पाइपिंग बनाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम छोटे छोटे बड़े मोती लगाएंगे। हाँ जी प्यारे वाले। उसके बाद ये और ये इतना बच गया है ना, ये ना काफी ज्यादा लंबा है यार, कोई नहीं थे आके रुक जासी ठीक है ना, जी तो ये चेक कर ले भाई, मामी ने गला बनाना स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पर ऑलमोस्ट गला तैयार हो चुका है, और ये आप लुक चेक कर सकते हैं गले की, माशाल्लाह देखें भाई कितना खूबसूरत और कितनी सफाई के साथ बनाया है, बहुत प्यारा लग रहा है जी। ये कपड़ा लगाना है जी इस तरह, ठीक हो गया, ऐसे हमने लगाना है इसको, फिर बंद करना है। उसके ऊपर ऊपर गुम गुम सिलाई हो, ऐसे फील ना हो कि ये तीसरी सिलाई एक और आ गई है, तो वो उसके वजह। जी तो ये देखें भाई कुछ इस तरीके से प्यारा लग रहा है, इसके ऊपर ये मोती जब लगेंगे ना बड़ा प्यारा लगेगा। ऐसे ना चार चार के सीक्वेंस के हिसाब से आप लगाएंगी ना, चार चार के। हाँ जी हाँ जी। अच्छा मैं कह रही थी कि चार चार मोती की सीक्वेंस बना के लगाएंगी ना, फिर थोड़ा वक्फा, फिर चार मोती, फिर थोड़ा वक्फा, फिर चार मोती, प्यारे लगेंगे वो। चार इधर, फिर इतना चार इधर, चार इधर, बारह, और आपको 16 मोती चाहिए। जी तो मामी ने भाई सारे कपड़े सिलाई कर लिए आज। हाँ जी हाँ जी भाई, ये सूट मैंने भी कल आपको कटाई भी की थी आपके साथ, मैंने भी गला बनाया था वो भी मैंने आपके साथ भी शेयर किया था कि जो वसीम भाई ने लेकर दिया था उसकी मैंने भी मुकम्मल सिलाई कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे खोल रही हैं जैसे कोई मिस्ट्री बॉक्स खोल रहा हो। हाँ जी अच्छा जी, ये हैं जी इसके बॉर्डर्स, कुछ ऐसे काम हुआ है इन पे, ये देखें बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना। ये है जी इसका गला, इसके ऊपर ना अभी हमने ये जो मोती या बटन हमने भी नहीं लगा लेंगे। हाँ जी कल जाएंगे एक दफा फिर चक्कर लगना है। हाँ जी एक चक्कर तो लगाना है, आके भी आ रहा है भाई मेरी मेगा शॉपिंग तो अब होगी ना। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ये इसके रहे भाई बाजू, ये जी बाजू, मैंने इसको कहा मेरी मेगा शॉपिंग तो अब हो रही है, कहता यार तनख्वाह मिली है इसका मतलब ये नहीं है कि ईद नहीं गुजारनी, ये ना मैं चांद रात को ही खाली हो जाऊं। अल्लाह का कैसे अल्लाह बरकत पैदा है इंशाल्लाह, दिल नहीं छोटा करना, हर शय मिल जाती। अच्छा ये रहा भाई कमीज, उसके बाद ये इसके साथ मैंने ट्राउजर सिलाई किया जी। तो भाई ये है इसके साथ ट्राउजर, इस दफा इन्होंने इसके साथ कुछ भी नहीं लगाया, पहले हमेशा जो है ना वो लगाती है कोई ना कोई चीज भी डाल दी है, वो तो सारी सलवारों में डाल रही थी, मेरी ही रह गई हैं एंड, बाकी सारे नहीं होगी। अच्छा ये जो है भाई हमने ये सूट सिलाई किया, ये हमने आपके साथ शेयर कर दिया है, उसके बाद इतने ज़्यादा मैंने भाई सिलाई किए हैं, ये देखें ये ड्रेस जी। तो मामी ने इस दफ़ा जो है ना वो भाई कुर्ता सिलाई किया है, देखते हैं भाई कुर्ता पहन के मामी को कैसा लगता है, मामी को हमेशा से आदत है थोड़े फिटिंग वाले कपड़े पहनने की, तो अब जो है ना हमने कहा कि भाई हम ना आपका थोड़ा स्टाइल चेंज करवाते हैं, थोड़ा स्टाइल चेंज करें ताकि आप रेडीमेड ड्रेसेस भी पहन सकें, आपको उनके भी आदत हो, मामी को उनकी आदत ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे तैयार कर ले भाई इसी तरह ही पहनने हैं बिल्कुल ना खुले खुले से ना, तो बंदा इजी रहता है। और दूसरी बात ये है कि मम्मी कहती है मैं सिलाई कर करके थक गई हूँ, और जो बाजार से मिलते हैं ना वो होते ही कुर्ता टाइप के, तो मैंने अब ना इंशाल्लाह जो है ना वो इसकी आदत हो गई ना, तो मैंने बाजार से लेके ये वाला मिल गया ना कोई मसला नहीं, जैसे ही मैं पहन लूंगी गला बैंड वाला मिले, गला बैंड वाला होना चाहिए, ये यहाँ पे आके मसला हो गया, यही मसला हो जाता है। उसके बाद भाई
ये सूट है ना, ये आपका ये भी आपका ये भी आपका ये मैंने सिलाई किया है। हाँ जी मैंने आपको दिखाया है मैंने कैसे सिलाई किया है, मेरा ख्याल है दिखाया था। अच्छा ये रहा मैं एक सूट, मेरा दो सूट हो गए। ये है जी मेरा लाल, ये लाल दुपट्टा हो गया लाल जोड़ा पहने आना। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह जुमाए भाई, ओ नहीं नहीं जुमाए, ये तीसरा भी सिदरा का, ये चौथा ये है मिस बक्की। हां जी जो ब्लैक और अभी जो मेरा फोर्थ वन है ना वो मैंने आज कहीं जाना था मामी के ही कहने पे मुजम्मिल वहां पे वो हो गया ना मैं जाना। और फिर जो आपका काम था वो भी हो जाता तो हमारी ईद भी आसान हो जाती ना। लेकिन वो जिद कर गया है, लेकिन मुजम्मिल ने नहीं माना था, रोजा लग रहे गर्मी काफी ज्यादा गर्मी गर्मी है, आज रोजा महसूस भी हो रहा है। हाँ जी हाँ जी रोजे भाई थोड़े हो गए हैं, हैवी वाले हो गए हैं भाई, हैवी माशाल्लाह एंड देना हैवी सीन हो गया है, हैवी सीन हो गया। हां चलें भाई ये थी मामी की सिलाई इस दफा की, उनमें से एक ड्रेस तो जो है वो सदा पहन भी चुकी है और हम ये हमने घर में खुद सिलाई किए हैं, बाकी जो रेडीमेड है वो तो अलग ही है, वो हमने भी आपको कल शेयर किए थे आपको दिखाए थे। हां जी अच्छा ये थी हमारी बे आज की वीडियो, उम्मीद है आपको जरूर पसंद है, मुझे इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।